पार की बात है। माधोपुर नाम के एक गांव में बंसी नाम का एक सेठ रहा करता था। बंसी सेठ के पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी। उसके दो बच्चे और उसकी पत्नी लाजो साथ रहा करती थी। दोनों ही बच्चे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। बंसी बहुत ही कंजूस आदमी था। एक दिन अजी सुनते हो, आज खाने में क्या खाओगे? दाल चावल बना दूं क्या? हाँ बना दो। अच्छा सुनो, दाल केवल एक मुट्ठी भर के ही बनाना, बाकी उसमें पानी बढ़ा देना, रात के काम भी आ जाएगा भाई। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का, परेशान करके रखा है। लोग सोचते होंगे कि हम तो राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, उन्हें क्या पता कि गरीबों से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने आज के बाद आपसे पूछना ही नहीं है। एजी बहुत हो गया आपका, अगर आपने अब एक नौकर नहीं रखा घर पर तो मैं मायके चली जाऊंगी, समझे आप? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? देखो, अगर हम एक नौकर रखेंगे तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बताओ, किसी और को देने से अच्छा वो पैसे हम खा भी तो सकते हैं ना। आप खाने की बात करते हो कि खाना जिसमें पानी बढ़ा दो ताकि रात को भी चल जाएगा, या वो वाला जब आप भंडारे से दो पूरियां और थोड़ी सब्जी लाए थे और कहा कि इसी को खा लेते हैं ताकि एक रात का राशन बच जाए। मैं बता देती हूँ, अगर आपने एक नौकर नहीं रखा और घर में अपनी हरकतें नहीं बदली तो मैं अपने भाई पहलवान सिंह को यहाँ बुला लूंगी, वही सुधारेंगे आपको। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? अरे नौकर की क्या जरूरत है, उस बसंत से ही काम करवा लो। हे भगवान, तरस खाओ उस बेचारे पे। एक तो तुम उसे पगार समय से नहीं देते और ऊपर से उससे घर का भी काम करवाना चाहते हो, कुछ तो शर्म करो। अरे कैसी शर्म, अरे भाई मैं मालिक हूँ उसका, जो मर्जी चाहूँ वो काम करा सकता हूँ। कल उसको भेज दूंगा, उसे सारा काम समझा देना, ठीक है? ठीक है, भेज देना कल से। और दुकान पे कैसे संभालेंगे फिर? अरे वो मैं देख लूंगा। अगले दिन बंसी ने अपनी दुकान पे काम करने वाले बसंत को अपने घर पर बुला लिया। हाँ सेठ जी, बताइए, कुछ काम था क्या? हाँ, वो आज से तुम यहाँ सेठानी की मदद करोगे, समझ गए ना? लेकिन सेठ जी, दुकान पे फिर कौन काम करेगा? अरे उसकी चिंता ना कर, वो मैं देख लूंगा। तुझे तो पता ही है कि दुकान में ज्यादा काम कहाँ होता है, आधे से ज्यादा तो तू खाली ही रहता है, तो मैंने सोचा कि वहां से अच्छा तू क्यों ना यहाँ घर पे काम कर ले, और जब काम हो जाए तो दुकान पे आ जाया करियो। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? रहने दे खुसट, मुझे पता है तू मुझसे ही सारा काम कराने वाला है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? लगता है इसके दिन पूरे हो गए हैं, तभी तो ये मेरे दिन पूरे करने पर लगा हुआ है। हे पहाड़ी वाले बाबा, अपने हाथों से लड्डू बना के आपको चढ़ाऊंगा, इस सेठ को उठा दो, कृपा करो बाबा, कृपा करो। अरे सोच क्या रहा है, चल काम पे लग जा, ठीक है ना? मैं दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है? जा खुसट जा, काम तो मुझे करना है, तुझे कौन सा कुछ करना है? ठीक है मालकिन, जो कुछ खाने को बना दो, और हाँ अच्छा सा बनाना। इसके बाद बसंत काम करने लग गया, तभी सेठ वहाँ पर आ गया। बसंत सुन तो, क्या बना रहा है? मालिक रोटी सब्जी बना रहा हूँ। अच्छा सुन, सब्जी में पानी ज्यादा बढ़ा दियो, रात के काम भी आ जाएगी। लेकिन सेठ जी, सब्जी का स्वाद चला जाएगा ज्यादा पानी डालने से। नहीं जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो जी? बसंत तू बता, क्या कहा इन्होंने तुझसे? वो मालकिन सेठ जी ने कहा कि सब्जी में पानी बढ़ा दूं। हे भगवान, तुम ऐसा करो, जैसा बना रहे थे वैसा ही बनाओ। जी मालकिन। और आप जरा इधर चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं जी? मुझ तक ठीक है, ये सब बाहर वालों को क्यों बता रहे हैं कि आप कैसे हैं? आपकी वजह से मेरा बाहर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुद को थोड़ा सुधारिए।
इसके बाद लाजू वहाँ से चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद बसंत वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर बसंत ने सारी बात अपनी बीवी को बता दी। ये क्या कह रहे हो जी, वो लोग कैसे रहते हैं घर पर, उनसे अच्छी जिंदगी तो हमारी है। हाँ, और वो तो सेठ रात का खाना बचाने तक को कह रहा था ताकि सुबह का भी राशन बच जाए। न जाने कहाँ जाएगा इतना पैसा लेकर। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें क्यों जी। अगले दिन सेठ बाहर घूमने के लिए जाता है। रास्ते में उसे फल वाला दिखा। और फल वाले भैया। बोलिए सेठ जी। ये संतरे कैसे दिए? सेठ जी 40 रुपए किलो हैं। इतने महंगे? क्या सेठ जी मजाक कर रहे हो हैं? क्या गांव के सबसे अमीर आदमी हो आप और 40 रुपए को महंगा बोल रहे हो? तो क्या, अमीर आदमी हूँ तो फायदा उठाओगे? सब समझता हूँ मैं। हम जैसे अमीरों को महंगे दामों में देकर 10 रुपए की चीज को 40 रुपए में बेचते हो। ऐसी बातें कर रहे हो सेठ जी, 10 रुपए का जमाना चला गया, लेना है तो लीजिए सेठ जी, वरना जाने दीजिए। 20 रुपए दूंगा मैं, बस अब बताओ। नहीं सेठ जी, ये तो बहुत है कम है। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 30 रुपए कर देता हूँ। ये क्या बात हुई, ना मेरी ना तुम्हारी। अब करना है तो 25 कर दो, सीधा 40 बोल रहे हो तुम तो। हे भगवान, किससे पाला पड़ गया मेरा। क्या सोच रहे हो, 25 में दे दो तो बताओ, वरना और भी दुकानें हैं। ले लीजिए, ये लीजिए, आप लीजिए। अरे जरा बड़े बड़े डाल दो। हाँ सेठ जी, पैसे देने के वक्त 40 का 25 कर दिया और अब संतरे बड़े बड़े चाहिए। लीजिए और खुश रहिए। इसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या आदमी है भैया। क्या हुआ काका? अरे कुछ नहीं बेटा, वो सेठ है ना बंसी। हाँ। वही आज फल लेने आया था, 40 रुपए किलो फल को 25 में लेकर गया है और मुझे कहता है कि 10 रुपए की चीज को 40 में बेच रहा हूँ। लगता है हमारे सेठ जी ने काफी वक्त से संतरे नहीं खाए, तभी तो उनको उनका दाम नहीं पता। जाने दो चाचा, उसकी कंजूसी के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। आप तो जानते ही हो ना बंसी सेठ कैसा है। हाँ बेटा, बस नाम का ही सेठ है वो, बाकी हरकतें तो उसकी गली में मांगने वाले भिखारियों से भी बुरी है। तू ठीक कह रहा है, मैं भी कहाँ उस सेठ की बातें लेकर बैठ गया। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है काका। अरे वो देख, गबरू आ रहा है, रुक उसका पोपट बनाते हैं, मजा आएगा। रुक जरा, अभी आवाज देता हूँ। अरे अरे यार गबरू, हम सब तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं यार, और तू है कि कितनी देर से आ रहा है। हाँ दोस्तों, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, और कहाँ से आ रहा है? बस बाजार गया था, अभी बस ये फल खरीद कर आ रहा हूँ। और तुम्हें पता है, बंसी सेठ भी आया था, 40 रुपए किलो संतरे को 25 रुपए में ले गया। क्या होगा भाई उस आदमी का। यह तो ना सही गया भाई है? उस आदमी से पैसे निकलवाना भगवान से काम निकलवाने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई होगा क्या जो इससे पैसे निकलवा ले। होगा भाई, जरूर होगा। देखना, जिस दिन सेठ का पाला उससे पड़ेगा ना, उस दिन माधोपुर के इतिहास में उस आदमी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा यार। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, हमारा गबरू किसी से कम है क्या है? अरे मैं क्या सोच रहा था, मुझे लगता है कि वो आदमी तुम ही हो जो उस सेठ को सबक सिखा सकता है। क्यों भाइयों? अब क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जाओ और उस सेठ को सबक सिखाओ यार। उस सेठ की जान बसती है ना उसके पैसों में, क्यों ना तुम उसकी तिजोरी चुरा लो। याद है जब एक बार तुमने गांव वालों को सबक सिखाने के लिए सबके घरों में डाका डाला था, हम महीनों तक पता नहीं लगा पाए थे कि वो कौन है। मुझे तो लगता है कि इस काम के लिए सबसे ज्यादा सही आदमी तुम ही हो। क्या बोलते हो दोस्तों? ये क्या बोल रहे हो भाई, मैं चोरी नहीं कर सकता। याद है ना सरपंच जी ने क्या कहा था, इस बार चोरी करूंगा तो सरपंच जी गांव से निकाल देंगे। अरे तो चोरी करने को कौन कह रहा है?
हम तो ये कह रहे हैं कि तुम उस सेठ की तिजोरी उससे ले लो है? अरे उसको सबक सिखाओ यार, और उसे फिर बाद में लौटा देना। अरे तो भाई वो मुझे अपनी तिजोरी क्यों देगा ये बताओ पहले। जो आदमी 1 किलो संतरों के 40 रुपए नहीं दे पा रहा वो मुझे अपनी तिजोरी भला क्यों देगा? अरे वही तो तुम्हें सोचना है कि वो तुम्हें अपनी मर्जी से खुद अपनी तिजोरी सौंप दे। बोलो एदम, हो पाएगा तुमसे? अरे लेकिन, अरे छोड़ो भाई, मुझे नहीं लगता इस गबरू से हो पाएगा। जाने दे इसको, जाओ भाई जाओ, तुम घर जाओ है, तुम संतरे खाओ अपने। कितना अच्छा मौका था गांव वालों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का, लेकिन खैर जाने दो गबरू। अब मैं करूंगा, तुम सोच लो एक बार, हो पाएगा ना तुमसे? हाँ मैं करूंगा, मैं सिखाऊंगा सेठ को सबक, उसके बाद वो जिंदगी में कभी कंजूसी नहीं करेगा। इसके बाद गबरू वहां से चला जाता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। अब आएगा ना मजा, जब गांव के दो नमूने आपस में भिड़ेंगे। इसके बाद गबरू बाबा का रूप लेकर सेठ बंसी के घर पहुंचता है। बम बम भोले, यहाँ कुछ तो अनुचित है, यहाँ के मुखिया को खतरा है। बम बम बोले, क्या खतरा? जरा देखना तो कौन है बाहर। अरे कोई बाबा है, रुको देखती हूँ। चलो देखते हैं कौन है। अरे ये बाबा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। बाबा जी सुनिए तो। क्या हुआ बाबा, किससे खतरा है? हाँ, इस घर के मुखिया का जल्द ही सारा धन चोरी हो जाएगा। तुम्हारे धन में लोगों की बुरी नजर लग गई है। 40 का संतरा 25 का लाए हो ना, वही बचाया धन सब लेने आ रहे हैं। बम बम भोले। इन्हें कैसे पता कि मैं 40 का संतरा 25 में लाया हूँ? अब तो भोलेनाथ ही बचा सकते हैं इस घर को। बम बम भोले। रुकिए बाबा जी, मैं इस घर का मुखिया हूँ, आपने कहा मेरा धन चोरी हो जाएगा। हाँ, आज से 4 दिन बाद तेरे घर में कुछ चोर चोरी करने आएंगे। वो तो केवल शुरुआत है, उसके बाद पूरे समाज को तेरे छुपाए धन के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं चला, मेरा कर्तव्य था तुझे बताना। बम बम भोले। मैं अपना खजाना ही छुपा दूंगा। सेठ अपना खजाना पूरा छुपा देता है। इसके बाद वह 3 दिन 3 रातों तक सो नहीं पाता और डर के कारण बस चिंता में डूबा रहता है। 4th दिन वह घर के दरवाजे की खिड़कियां बंद कर थकान के कारण सो जाता है। अचानक आधी रात को कुछ लोग उसके घर चोरी करने के लिए आते हैं। ओए सुनो, आराम से अंदर जाइयो, अगर उस सेठ की आंखें खुल गई तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, समझा ना? हाँ समझ गया, आगे बढ़ो आप जल्दी से। घर तो बड़ा सही है इस कंजूस सेठ का। अरे जब ये नया नया अमीर बना था तब बनाया था ये घर इसने, तब तो वो इतना कंजूस नहीं था। तभी उसने इतना बड़ा घर बना दिया, वरना उस कंजूस की जेब से इतना पैसा निकल ही नहीं सकता। अरे अरे आवाज मत कर, जाग जाएगा वो। चोरी की आहट से जग जाता है और हल्ला करने लगता है। सारे चोर भाग जाते हैं। सेठ बंसी डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता और रात भर जाकर तिजोरी के सामने बैठा रहता है। अगले दिन सुबह सुबह बंसी गांव में बाबा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वो थक हार कर घर चला आता है तो देखता है कि बाबा उसके घर के सामने से गुजर रहे हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम। मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था। तुम? मैं वही जिसके घर आपने आकर कहा था कि 4 दिन बाद मेरे घर में चोर चोरी करने आएंगे। अच्छा तो तुम हो? हाँ बाबा। क्या हुआ? बाबा कल मेरे घर चोर आए थे। बाबा अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारे धन पर लोगों की बुरी नजर लगी हुई है, हमें पूजा करनी होगी ताकि लोगों की बुरी नजर को मिटा सकें। करवा पाओगे पूजा? हाँ बाबा बिल्कुल।
ठीक है चलो, मुझे अपनी तिजोरी के पास ले चलो। जी बाबा। बाबा मेरा सारा धन यही रहता है। मुझे देखने दो इसमें कितनी बुरी शक्तियां कुंडली मार के बैठी हुई हैं। असंभव, तुम्हारे धन को बचा पाना अब संभव नहीं। भूल जाओ इस धन को, इस धन के पीछे मनुष्य ही नहीं प्रेत भी पड़े हुए हैं। हर हर भोले। बाबा कुछ तो करिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, ये जगह बुरी शक्तियों से भरी पड़ी है, ये तिजोरी जितना यहाँ रहेगी उतना ही तुम्हें नुकसान होगा। अब आप ही बताइए हम क्या करें। इसे यहाँ से हटाना होगा, गांव के पीछे एक मंदिर है। बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मंदिर से पवित्र कुछ भी नहीं। मैं वहां इसकी रक्षा करूंगा ताकि कोई बुरी शक्ति इसका कुछ ना बिगाड़ सके। ये काम कब तक हो जाएगा? बेटा ये काम 2 दिन में हो जाएगा, तुम 2 दिन बाद मुझे यहीं मिलना। ठीक है बाबा। भगवान मैं तो लुट गया, मेरा सारा धन चोरी हो गया, अब मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा। कुछ खा लीजिए। नहीं मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ। हे भगवान, मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती, कृपया कर आप ही इनको ठीक कर दीजिए भगवान जी। बसंत जाओ गांव में ये ऐलान कर दो कि जो भी सेठ जी को ठीक करेगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। जी सेठानी जी। इसके बाद बसंत ने पूरे गांव में यह बात सबको बता दी, लेकिन कोई भी सेठ को ठीक नहीं कर पाता। आखिर में गबरू सेठ के घर पर आ जाता है। प्रणाम सेठानी। प्रणाम। मेरे पास सेठ को ठीक करने का उपाय है। क्या सच में? हाँ सेठानी। तो तुम ही इन्हें ठीक कर दो। मेरे साथ कुछ लोग भी आए हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। सेठ को ठीक करने की दवा, अब मैं जाऊं उनके पास? हाँ जाओ। सेठ जी मैं जानता हूँ आप अपने धन के जाने के कारण दुखी हो, लेकिन मैं आपका धन वापस ला सकता हूँ। क्या सच में? लेकिन आपका धन तभी मिलेगा जब आप सत्य मन से भगवान से माफी मांगोगे। सेठ जी धन बचाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को परेशान करना गलत बात है। इसीलिए जब तक आपको आपकी गलती का पछतावा नहीं होता तब तक आपको आपका धन नहीं मिलेगा। प्रभु मैं अपनी कंजूसी की वजह से हमेशा अपनी पत्नी को शर्मिंदा करता था, लोगों को कम दाम देकर सामान खरीदता था, लेकिन जब आज मेरा धन खोया तो तब मुझे समझ आया कि बाकियों को कैसा लगता होगा। मैं आपसे अपनी हर गलती की माफी मांगता हूँ।
चमत्कार हो गया सेठ जी, लगता है भोलेनाथ ने आपकी सुन ली। ये देखिए, ये संदूक यहाँ अचानक से आ गया, देखिए जरा इसमें क्या है। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा धन वापस आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरा धन वापस आ गया। देखिए सेठ जी, जैसे आया वैसे ही चला भी जाएगा, अगर आपने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी तो। आज के बाद मैं कंजूसी कभी नहीं करूंगा, कसम से। आप ठीक हो गए? देखो मेरा सारा धन वापस आ गया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। गबरू बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ कोई काम मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। आज से तुम हमारे धन का हिसाब किताब रखोगे और उसकी पूरी सूचना रखोगे। जी धन्यवाद मालकिन। अजी सुनिए, अब आपकी कंजूसी की आदत भी ठीक हो गई है और अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है, क्यों ना 11 पंडितों को भोजन करा दें? अरे भाग्यवान, 11 पंडितों को खाना खिला के क्या फायदा, मैं तो ठीक हो चुका हूँ ना अब। अगर ठीक नहीं हुआ होता और तब तुम खिलाती तो समझता कि तुम मेरे ठीक होने की मन्नत मांग के उन्हें खाना खिला रही हो। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का, मुझे लगा कि आप सुधर गए, लेकिन आपका हाल तो कुत्ते की पूंछ से भी गया गुजरा है। आज रहो भूखा, नहीं मिलेगा खाना तुम्हें। नहीं